दो माह पूर्व इंदौर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा की गई शिकायत के बाद यातायात प्रभारी की लंबित जांच तथा मीडिया में तमाम हंगामे के पश्चात भी दतिया की यातायात पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। उच्च अधिकारियों तथा तमाम सरकारी निर्देशों के बावजूद दतिया से गुजरने वाले वाहन चालकों को दस्तावेज चेकिंग करने तथा अन्य विभिन्न वाहनों से अकारण ही परेशान करना सताया जाना आज भी बदस्तूर जारी है। ताज़ा मामला है पुणे से लखनऊ जाते नए नकोर तथा पूरी तरह खाली मिनी आइसर ट्रक का, जो कि कंपनी से कंपनी के शोरूम पर जा रहा था और ड्राइविंग लाइसेंस सहित वाहन के सभी दस्तावेज भी दुरुस्त थे। फिर भी जैसे ही ट्रक चालक ने हाईवे छोड़कर शहर की सड़क पर ट्रक को उतारा, चुंगी नाके की तरह तैयार खड़े हुए, जहां पर यातायात के धुरंधरों ने कोटा पूरा करने के लिए उसका ओवर स्पीड की धाराओं के तहत चालान काट दिया। जबकि दतिया में प्रवेश मार्ग असनाई राम लला पर स्ट्री जिस जगह पर ट्रक को रोका गया, वहां तेज मोड़, सिंगल सड़क और छोटा चौराहा तथा व्यस्त आवागमन होने के कारण मोटरसाइकिल से लेकर हर बड़े वाहन की स्पीड नॉर्मल से भी नीचे अर्थात 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। साथ ही में बेचारा ड्राइवर न भूल बस शहर की ओर मुड़ता और न ही शिकारियों का शिकार बनता। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।